बड़ी खबर लखनऊ से। एसबीएसपी और बीजेपी का गठबंधन। एसबीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों की रखी शर्त। यूपी की गाजीपुर घोसी सीट पर दावा ठोका। बिहार की मधेपुरा सीट भी एसबीएसपी ने मांगी। अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में होगा फैसला। आज एसबीएसपी एनडीए के साथ रणनीति पर बैठक। तो 3 लोकसभा सीटों पर लेकर शर्त रखी है। यूपी की गाजीपुर घोसी सीट पर दावा ठोका है। यूपी के पॉलिटिक्स का सियासी सावन ओपी राजभर ने थामा एनडीए का दामन। अमित शाह ने चला चाणक्य वाला दांव। एनडीए के नाम होगा 24 का महाचुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सहयोगी हो गई है। जातीय दिग्गजों को साध कर बीजेपी अब अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। ओम प्रकाश राजभर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ओपी राजभर ने एनडीए का हिस्सा होने के बाद कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। हमें साथ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों की घंटों बातचीत हुई। तमाम बिंदुओं पर जो गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें दिल्ली रहेंगे। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनका स्वागत किया। साथ ही कहा कि ओपी राजभर के आने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी का एनडीए में शामिल होना जहां देश के 2024 के चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है, वहीं पर देश और दुनिया की उस सोच के साथ कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री जी के साथ उस सोच को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, बड़ा उनका आधार है। भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर का पार्टी में स्वागत किया है। जो उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। इधर विरोधियों को एसबीएसपी का एनडीए में शामिल होने वाला ये कदम काफी परेशान कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को